बहुत सारे शिष्य हैं जिनके गुरु को कोई जानता नहीं था और शिष्य की वजह से उनके गुरु को भी लोग जानने लग गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कई महात्मा ऐसे हुए हैं अभी जिंदे हैं जिनके गुरुजी को कोई जानता नहीं था, पर उन शिष्यों की वजह से भी उनके गुरुजी को भी दुनिया जानने लग पहचानने लग। इसीलिए आप सब लोगों को चाहिए, औलाद और शिष्य ये दोनों समान माने जाते हैं, इसीलिए चाहिए कि आप इस तरह का जीवन खड़ा करो कि आपकी वजह से गुरु और माता पिता का पहचान बढ़े, नाम बढ़े। इस प्रकार से ये क्यों कह रहे हैं, निजी कोई लाभ नहीं चाहिए मुझे किसी भगवान को, मनुष्य से निजी लाभ भगवान को किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान लाभ हानि के मालिक हैं, उनको तुमसे लाभ हानि नहीं चाहिए, वो तो उनके हाथ में ही है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश प्रभु प्रभु हाथ, तो उनको तुमसे कोई लाभ हानि नहीं। तुम उत्तम श्रेष्ठ बर्ताव करो, भगवान को कोई लाभ होगा ना उससे तुमको लाभ होगा। हाँ, पर भगवान को यश मिलता है उससे, भगवान को उससे पहचान मिलती है, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। अगर कोई भक्त प्रसिद्ध हो जाए तो उस प्रसिद्ध भक्त की वजह से भगवान के प्रति और करोड़ों लोगों की आस्था बढ़ जाती है। जैसे मानो एक काल में नरसिंह भक्त हुए, उनकी वजह से करोड़ों लोग भक्त बने भगवान के, उनको देखा देखी, क्योंकि नरसिंह भक्त के यहाँ भगवान ने हाथ भरा, उनकी बेटी का सोने की असरफियाँ लुटाईं और विपत्ति में आए बेटी के यहाँ हाथ भरने पहुँचे, तो लोगों ने भक्ति की भक्ति की, बहुत भक्त बने। बाद में आपने कथा सुनी सुधामा ब्राह्मण की, सुधामा को देख के भी लोगों ने भक्ति की। बाद में मीरा जी आई 300 साल पहले कलयुग में, मीरा जी को गोविंद का दर्शन वृंदावन में हुआ तो औरतों में भक्ति आई। पहले औरतों में भक्ति नहीं थी, औरतों में भक्ति का संचार कलयुग में ज्यादा हुआ है, पहले औरत प्रधान भक्ति नहीं थी। आप इतिहास पढ़ो, हमारे काल में जाओ, महाभारत काल में चले जाओ, उस समय भक्ति नहीं थी औरतों के पास, औरतें कमरे में बंद रहती थी, महाभारत काल में महलों के अंदर रहती थी रानियां महारानियां। मीरा से भक्ति प्रचार बढ़ा औरतों में, श्री राधा से भक्ति प्रचार औरतों में आया। तो इसलिए एक क्रेज बनता है किसी चीज को लेकर, जैसे मुझे देख करके भी मैं गारंटी कह सकता हूं, मुझे देख करके भी 10-5 हजार लोगों को इंप्रेशन हुआ है, वो कथा करना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं। और भी 2-4 कथाकार ऐसे नए हुए हैं अभी, उनको देख के भी बहुत सारे लोग कथा सीख रहे हैं। तो जो आदमी सिद्ध पुरुष बनता है, जब वो प्रसिद्ध होता है भगवान के बारे में, तो लोग उससे इंप्रेस होते हैं और उसके आचरण को फॉलो करते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं। कई लोग व्यापार में सक्सेस होते हैं, उनको देख के लोग व्यापार में जाना चाहते हैं। गाँव में कोई लड़का फौज में लग जाए, पुलिस में लग जाए, उसको देख के बाकी लड़के रोड तोड़ने लग जाते हैं, रोड फोड़ने लग जाते, मतलब दौड़ने लग जाते हैं। वो एक दूसरे को देखकर काफी विकास होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आचरणम प्रवद्यते भागवत सर्वेशम आत्मनम सिद्धि, भागवत का आचरण ही सबसे बड़ी सिद्धि है, इसको सिद्ध कर लो भागवत को, ये सब कुछ वारे नवारे कर देती है। आज हम यहां बैठे हैं भागवत की वजह से, यहां बैठे रामायण की वजह से, यहां बैठे शिवपुराण की वजह से, यहां बैठा हूं वेदों की वजह से, यहां बैठा हूं चरित्र और आचरण की वजह से। यहां बैठना कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। किसको नहीं चाहिए सम्मान, पैर छूना नहीं चाहिए किसी को, पर छैर छुपाना सबको चाहिए होता है। हम किसी के पैर छुएं, प्रणाम करें, ये रीत ये मति सब में नहीं भी होगी, पर पैर छुपाने की मति सब में होती है। कोई हमारे पैर छुए, कोई हमको प्रणाम करे, हमें कोई राम राम कहे, हमें कोई नमस्ते करे, हमारा रिस्पेक्ट करे, ये सब में होता है, सबके अंदर ये गुण है। प्रतिष्ठा सम्मान सबको चाहिए, सम्मान किसी को देना, किसी को प्रतिष्ठा देना, किसी को बड़ा बनाना, ये हमारे अंदर सबके अंदर ये आदत नहीं हो सकती, पर हमें बड़ा बनना, सम्मान बनना, ये आदत सब में हो। एक मजदूर सुबह खेतों में जाकर किसी की भी खेत की डोर पर मेड़ पर
खुरपी से घास छीलता है और बोरे में भर के लाता है। इतना गरीब, इतना परेशान व्यक्ति, पर वो भी आशा करता है कि मुझे भी लोग लंबरदार कहें, मुझे भी लोग मुखिया कहें, मुझे भी लोग राम राम करें, मुझे भी लोग सम्मान देवें। इतनी भूख सम्मान की है। और मैं कह रहा हूं कि आपको सम्मान मिलने ही वाला है, पर कब मिलेगा? गारंटी के साथ, ISI मार्का के साथ में गारंटी का माल मिलेगा। सम्मान के रूप में, आतिथ्य के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, सुख के रूप में आपको ये सब चीजें मिलेंगी जो कल्पना में है आपको। पर ये कब मिलेंगी? जब भागवत सिद्ध हो जाए, सत्संग सिद्ध हो जाए, भक्ति सिद्ध हो जाए, आचरण सिद्ध हो जाए, सब मिलेगा आपको। भक्त कभी भूखा नहीं रहता, भक्त कभी नंगा नहीं रहता, भक्त कभी असहज नहीं रहता, भक्त हमेशा सहज रहता है। असहज जीवन कौन महसूस करते हैं? जो भक्त नहीं है। पैसे वाले हैं, फैक्ट्रियां हैं, पर उनको जीवन असहज लगता है, तो वो क्या करते हैं? फिर वो ये करते हैं कि वो 5-6 बंदूक वाले रिन्यू करा लेते हैं सरकार से, सिक्योरिटी, प्राइवेट हो या सरकारी हो। अच्छा, कुछ लोग बाउंसर रख लेते हैं साथ में, मोटी मोटी हाथ पैर वाले, जवान बच्चों को तनख्वाह दे के रख लेते हैं। क्योंकि जिनको जीवन असहज हो जाता है, चाहे वो कितने भी धनवान बलवान हो, वो कभी भी प्रसन्न और सुरक्षित जीवन को मानते नहीं है। और महात्मा इंद्रदेव ये बताना चाहते हैं कि असहज जीवन बिल्कुल अच्छा रहता नहीं है, सहज जीवन चाहिए। चाहे आप जितने बड़े हो जाओ, पर जीवन अगर सहज है तो आप भक्ति कर पाओगे, कथा सुन पाओगे, सत्संग कर पाओगे, परिक्रमा दे पाओगे। ये बंदूकधारी जितने भी सिक्योरिटी वाले लोग हैं ना, ये बंदूक कभी परिक्रमा नहीं कर पाते वृंदावन के, गोवर्धन के, परिक्रमा हो नहीं सकती। अच्छा, आए मंत्री जी बन गए, ठीक है, भाग्य से बन गए, पर परिक्रमा नहीं हुई और मर गए, तो ये भी तो अधूरा जीवन रह गया ना। दर्शन नहीं हुआ बिहारी जी का, गंगा स्नान नहीं हुआ हरिद्वार का, काशी का, तो अधूरा जीवन है हिंदू का। तो हिंदू का जीवन तब सफल माना जाता है, सनातनी संस्कृति का जीवन तब सफल माना जाता है, सनातन के सभी तीर्थों का दर्शन कर ले आंखें और माथा सभी तीर्थों पे झुक जाए, तो सनातन धर्म में पैदा होना सार्थक है। अन्यथा कहीं भी पैदा हो जाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, क्रिश्चियन बन जाओ, वही रोटी सब्जी खानी है, वही नौकरी चाकरी करनी है, वही BTech MTech CTech करना है, अलग कुछ नहीं, सबको सेम टू सेम। फायदा क्या है, आनंद क्या है सनातन धर्म में पैदा होने का? यही आनंद है। और मैं यही चाहता हूं कथा के माध्यम से। पर कबीर जी ने जो जवाब दिया, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कबीर जी ने कहा जो अज्ञानी है उनका मैं शिष्य हूं और जो ज्ञानी है उनका मैं गुरु हूं। कुल मिलाकर कबीर जी ने समझाया कि जो लोग समझते हैं बात को उनको ही शिष्य बनाओ, और जो बात ना समझे उसे कभी शिष्य बनाने की जरूरत नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना, समझ गए? अच्छा, गई भैंस, बस। मूर्खों को सत्संग सुनाना मतलब गई भैंस, बीन बजाने से क्या फायदा? भैंस बबक के भागती है बरातियों को कुचलते हुए, कभी कभी बैंड बाजे के चक्कर में, यह हाल है महाराज। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जो जाने ताहे देह जनाई, जिनको सीखना है समझना है उनको खूब समझाओ, दिल लगा दो और अपनी पूरी शक्ति से उपदेश करो, प्रवचन सुनाओ, ज्ञान दो। केवल भागवत नहीं, कोई सुनना चाहे तो भागवत के साथ दर्शन, उपनिषद, गीता ग्रंथ सब सुनाओ। तुमने जितना पढ़ा अध्ययन किया वो सुनाओ, तुमने जो जिया वो सुनाओ, तुमने जो सीखा समाज से वो सुनाओ। कुल मिलाकर जो सीखने आया है उससे सब कुछ सिखाओ, सब कुछ सिखाओ। क्योंकि भगवान कृष्ण सीखने गए संदीपनी जी आश्रम में, तो संदीपनी जी ने केवल किताब सिखाई, वेद सिखाया, व्याकरण सिखाया, दर्शन सिखाया, इतना ही नहीं उन्होंने सुदर्शन भी सिखाया, चक्र चलाना सिखाया, अस्त्र चलाना सिखाया।
राम पढ़ने गए वशिष्ठ जी के पास, तो वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया, यज्ञ दिए, ब्रह्म दिया, ध्यान दिया, भजन दिया, ज्ञान दिया, पर धनुष और धनुर्विद्या अस्त्र चलाना सिखाया। जो सीखना चाहे उसे गुरु सब सिखाए, और जो न सीखना चाहे उससे सीखे। एक आदमी सब जगह कहते फिरता था कि मैं आज तक हारा ही नहीं, मैं आज तक हारा ही नहीं, मैं आज तक हारा ही नहीं। एक साधु ने पूछा, क्या नहीं हारे आप? तो कहा, शास्त्रार्थ। आज तक मुझे कोई शास्त्रार्थ में हारा नहीं पाया। साधु ने कहा, अच्छा, इतना टैलेंट, इतना अध्ययन, इतना ज्ञान, तो कहा, इस समय आप कहां से आ रहे हैं? तो कहा, काशी से आ रहा हूं। क्यों गए थे? तो कहा, वहां बहुत बड़ा शास्त्रार्थ था, उसमें मुझे बुलाया था, तो मैं वहां गया था। तो महात्मा ने कहा, वहां? तो कहा, नहीं, मैं जीत के आया, हार के नहीं आया हूं। काशी से भी मैं जीत के आया हूं, इतना बड़ा शास्त्री हूं, शास्त्रार्थी हूं। तो महात्मा ने कहा, आपके पास में क्या टैलेंट है, क्या फार्मूला है जीतने का? तो उसने एक ही शब्द में फैसला कर दिया। उसने कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी बड़बड़ करती रहे शास्त्रार्थ में, मैं किसी की बात ही नहीं मानता, इसलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं सर्वजीत हूं, मैं मानता ही नहीं किसी की, इसलिए मुझे कोई नहीं हरा पाया आज तक। इसलिए अब झोली फैला के भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी मति को भगवान भक्त की कर दे, शिष्य की कर दे, इंसान की कर दे। इंसान की मति हो जाए तो भी बहुत बेस्ट है, शिष्य की हो जाए तो और उत्तम है, और भक्त की हो जाए तो सर्वोत्तम है। भक्त से बड़ा संसार में क्या है? भक्त से बड़ा संसार में कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रज के कुछ रसिया लिखते हैं, भक्तन ने मोकू ना ना भात नचायो। भक्तों के लिए भगवान स्त्री का रूप बना लिए ब्रज में, भक्तों के लिए, भक्ति के लिए, प्रेम कारण, भक्ति कारण।